ही वो वक्त भी करीब आ जाएगा। अब वक्त बहुत कम है, 6 मिनट का इंतजार है जिसमें एग्जाम का रिजल्ट आउट होने वाला है। इसरो से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं कि जो लैंडर विक्रम है वो बहुत करीब हो जाए। शाहरुख जल्दी से, अब ढाई किलोमीटर सिर्फ बचा है। शाहरुख, लगभग 50 डिग्री के एंगल पे, और धीरे धीरे जब ये 800 मीटर की दूरी पे आएगा तो सीधे 90 डिग्री तक ये मुड़ जाएगा। 50 मीटर 50 डिग्री एक बार टर्न हुआ, उसके बाद ये 40 डिग्री और टर्न होगा, 90 डिग्री टर्न करके ये पहुंच गया आपके वर्टिकल पोजीशन पे चले जाएगा। धरती वहां की अगर सतह को ध्यान में रखते हैं तो, और वर्टिकल वेलोसिटी भी घट रही है, वर्टिकल वेलोसिटी भी देखिए घट रही है। अब तो सिर्फ एक सेकंड, अब तो 2 किलोमीटर से भी कम हो गया है, 2 किलोमीटर से भी कम हो गया है, 150 मीटर की दूरी। बहुत बड़ा ये लैंडमार्क है और इसीलिए तालियों की गूंज आप देख रहे हैं वहां पर। वैज्ञानिक भी एक क्षण को रुक कर आप देख रहे हैं कि तालियां बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से जुड़े हैं, जहां वो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए गए हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इसरो से आप देख रहे हैं, दूरी बेहद कम हो चुकी है, 1 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी बची है। वहीं आप देख रहे हैं वर्चुअल वेलोसिटी घटकर 19-18 और वर्टिकल वेलोसिटी भी घटती चली जा रही है। धीरे धीरे जब 150 मीटर की दूरी बचेगी, देखिए 16 मीटर पर सेकेंड वर्चुअल वेलोसिटी, वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल जीरो की तरफ बढ़ती हुई, अब 4 मीटर प्रति सेकेंड के आसपास में है और दूरी कम होती चली जा रही है। लगातार वो वक्त बहुत करीब आ रहा है जब हमारे वैज्ञानिक, ये देखिए अभी तक संपर्क बधा हुआ है और ये तस्वीरें तालियों की गूंज, तालियों की जबरदस्त गड़गड़ाहट आप देख रहे हैं वैज्ञानिकों में। अब जब आप देखिए, ये देखिए ये वाले फेज में आप देख रहे हैं, क्या हम माने कि वो लैंड हो चुका है? नहीं, अभी नहीं लैंड हुआ है, बट अब हमारा जो 40 डिग्री जो बचा था वो और रोटेट हो जाएगा और फाइनल 90 डिग्री पूरा वर्टिकली आ जाएगा। कह सकते हैं कि हमारे लूनर सरफेस से परपेंडिकुलर हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया है, यानी वर्टिकल हो गया है, जो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होने की चुनौती थी इसीलिए वहां पर तालियां बजी थी, वो अब वर्टिकली खड़ा हो चुका है लैंडर विक्रम। ये देखिए, ये पोजीशन देखिए, यानी आप देख रहे हैं जो नीचे वाले उसके हिस्से हैं वो बिल्कुल सतह पर उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस बहुत कम है, मुझे लगता है थोड़ा सा अगर वो ऊपर जाएंगे तो हमें डिस्टेंस भी दिख जाएगा कि कितनी दूरी बची है, लेकिन अब वर्टिकल पोजीशन ले चुके हैं और स्पीड भी बिल्कुल कम हो चुकी है। दूसरी तस्वीर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, जहां वो ब्रिक्स समिट के लिए गए। जल्दी से शाहरुख, कितने पास अब बहुत करीब है, 150 मीटर पहुंचने वाला है, वही ब्लाइंड स्पॉट आने वाला है हमारा 22 सेकंड का। नाउ बीइंग कांस्टेंटली रिड्यूस्ड, और इस वक्त मैं बता दूं कि बहुत जोर से हम ब्रेकिंग नहीं कर सकते चंद्रमा के इतने करीब, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही महीन थिन लेयर होती है वहां के वातावरण की, बहुत ही थिन लेयर, इसकी वजह से जोर से ब्रेकिंग नहीं कर पाते। जल्दी से सवाल है, एटमॉस्फेयर नहीं है चांद पर, इसीलिए जितनी चीजें छूट गई है, फुटप्रिंट्स भी नील आर्मस्ट्रांग के अभी तक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। बिल्कुल हाँ, और असल में आर्गन और नियॉन जैसे कुछ कुछ मटेरियल रहते हैं उसके एटमॉस्फेयर में, बहुत ही थिन, बहुत ही नगण्य, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो है चांद में, उसको भी फैक्टर इन करके ये अभी आगे बढ़ रहा होगा। डिस्टेंस बहुत कम, 190 मीटर आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस हो चुका है ऑल्टीट्यूड, और वहीं पर स्पीड आप देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड हो गया हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल स्पीड भी आ गया है दो में, मतलब लगभग बराबर हो चुके हैं दोनों, जीरो की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, जब हम ये लगभग से अब देखिए 150 मीटर की दूरी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और यही है हमारा 151, बहुत बड़ा ये फेज सबसे इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं रुक गया है इस पॉइंट पे, 150 मीटर 139 आप देख रहे हैं, ये अब लगभग 22 सेकंड का होल्ड है हमारा, 22 सेकंड का होल्ड है यहाँ पे, 22 सेकंड तक इसी जगह पे इसी पोजीशन पे रहना, इसी ऑर्बिट पर रहेगा पूरे अपना जो भी उसकी लोकेशन है। एक सेकंड, इसीलिए आप देख रहे थे 149.98 पर वो इसी जगह पे उसको ओवर करना है। अपने दर्शकों को हम बता दें लगभग 22 सेकंड तक इसी 150 150 मीटर की जो दूरी है, तभी आप देख रहे हैं 149, हमने कर लिया वो दूरी, हमने सफलता से पार कर ली है। क्या ये बहुत बड़ी खुशी की घड़ी है? जल्दी से बताइए, ये बड़ी खुशी की घड़ी है, 127 इंतजार है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है 112 सेकंड, और इसीलिए आप देख रहे हैं कुछ वैज्ञानिक वहां पर ताली बजा रहे हैं क्योंकि पिछली बार यहीं पर मामला अटका था, अब हम उस घड़ी से भी आगे निकल चुके हैं। और एक बार फिर जैसे ये देखिए, अब 79 सेकंड 76, धीरे धीरे ये काउंटडाउन नीचे जा रहा है, स्पीड बढ़ गया, वेलोसिटी हम जीरो की तरफ बढ़ चुके हैं,
एक्चुअल वेलोसिटी भी हमारा वर्टिकल वेलोसिटी भी जो है वो भी घटता चला जा रहा है। और तीसरी तस्वीर में वो दूरी है, तमाम बड़े बड़े फेजेस हमने पार कर लिए हैं सफलता के साथ, अब सॉफ्ट लैंडिंग की घड़ी है। बस अगर सतह पर कोई बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं हो तो कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, थोड़ी देर में कोई नहीं रोक सकता। और ये देखिए 60 मीटर और 50 मीटर, अब मुझे लगता है कि अब वो दोनों को हम देखें, वर्टिकल वेलोसिटी नाउ इस 200-300 के बीच में, तो 2 मीटर प्रति सेकंड, वही वर्टिकल वेलोसिटी एकदम जीरो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो की तरफ जा रही है। दूरी अब 1900 किलोमीटर की रफ्तार से टकरा रही है, और बहुत बड़ी चंद्रमा की तरफ हिंदुस्तान बढ़ता हुआ, चंद्रयान का मिशन 3 सफलता की तरफ बढ़ता हुआ, चांद के दक्षिण पोल पर भारत अपना तिरंगा गाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आप देख रहे हैं तालियों की जबरदस्त गूंज हिंदुस्तान के लिए। अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक जीत, चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां कोई मुल्क नहीं गया था, दक्षिण पोल चांद का अब हमारा हुआ, क्योंकि हमने यहां पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की है। आज पूरा देश इसरो के इन वैज्ञानिकों के सामने सिर झुकाता है। और ये अब आप देख रहे हैं सोमनाथ साहब को, जो की इसरो के चीफ है, वो यहाँ पर संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। ये जोश, ये उत्साह आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जबरदस्त जश्न वैज्ञानिकों का, ये सालों साल की मेहनत है जो अंजाम पर आज पहुंची है। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। सर, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you.